हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, पोई की बीड़ी। पोई की बीड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पोई की पत्तियाँ ली है। पोई को जंगली पालक के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल पान के पत्ते के जैसे होती है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बीड़ी बनाने के लिए इसे पहले अच्छे से धो के सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे, बहुत ही नाजुक पत्ते होते हैं ये, इसलिए ध्यान से करेंगे। अभी ये पत्ते सूख रहे तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, ये 1 कप और ये 1/2 कप। अभी 1/2 कप हम चावल का आटा लेंगे। 75% हम बेसन लेंगे और 25% हम चावल का आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है और ये 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया है। दोनों को साथ में हम क्रश कर लेंगे। ये इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अभी आटे को मिक्स कर लेंगे और उसमें पेस्ट ऐड कर लेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आटे को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से रखना है हमें बैटर को। थाली को उल्टा कर लेंगे और एक पत्ता लेंगे, इस तरह से रख देंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लगाएंगे इस पर, ऊपर की ओर से इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम बैटर लगा देंगे। अभी नीचे की ओर से भी थोड़ा फोल्ड करेंगे। साइड से इस तरह से धीरे धीरे करके टाइट रोल बना लेंगे। पान की बीड़ी बना लेंगे हम इस तरह से। अभी दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे पत्ते की बीड़ी बना ली है मैंने। अभी इसे हम पकाएंगे। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तभी हम इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज हो जाए अजवाइन का तभी हम इसमें 1 टेबलस्पून तिल ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड कर लेंगे। सौते कर लेंगे अच्छे से। लहसुन का कलर चेंज हो जाए तभी हम इसमें जो हमने रेडी किया था बीड़ी, वो ऐड कर लेंगे। अभी इसे हल्के हाथों से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे हम ढक के पकाएंगे और 2-2 मिनट के बाद इसे हम चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले ना और अच्छे से पक भी जाए। इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
इस पे ये देखिए ब्राउन स्पॉट थोड़े आने लगे हैं और थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारी बिड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, अभी इसे हम सर्व करेंगे। ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।